ऐसे भाई बनाने का काम कर रहे हैं, दिल से दिल जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में यह हरिद्वार की धरती पूरे दुनिया को एक संदेश देती है, मानवता का संदेश देती है, भाईचारा का संदेश देती है, दिल से दिल को जोड़ने का संदेश देती है। और यह आशीर्वाद देती है। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ, हिंदू और मुस्लिम उनका आस्था का केंद्र हरिद्वार है। यहाँ अगर पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू रहता हो उसका एक मन में जो कसक रहती है कि कहीं भी जिंदगी में अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं गंगा के किनारे हरिद्वार मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी को मकामा देना के बाद उसकी इच्छा होती है ईरान मरियम की शरीर की दरगाह में जरूर आना चाहता है। इससे हरिद्वार जिले में जिस तरह हिंदू और मुस्लिमों की आबादी बहुत बराबर के लगभग काफ़ी संख्या में, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मैं जब इंटर कर रहा था हरिद्वार के सामने मैं देखा, मैंने मेरठ में जब पढ़ता था मैंने मेरठ के सामने नंबर देखा, मैंने बरेली में जब पढ़ता था वहाँ भी मैं आगरा में मैंने नौकरी की वहाँ मुस्लिम पढ़ा रहा आपस में धर्म और जाति संघर्ष होता था, लेकिन यह हरिद्वार के धरती ऐसे जिस तरह धर्म सभी धर्म के लोग आपस में सिख हो हिंदू हो मुस्लिम हो इस तरह आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कभी महसूस ही नहीं होता हरिद्वार के अंदर कि अगर ईद का त्यौहार है तो सब हिंदू अधिकतर हिंदू भी दिखेंगे, दीपावली का त्यौहार है होली का त्यौहार है तो सारे मुस्लिम भाई भी उसी रूप में उस दीपावली होली को मनाते हैं। इस मायने में यह संदेश है हरिद्वार से कि किस तरह ऐसे समय में जब पूरे देश के अंदर लोग बंटवारा कर रहे हैं धर्म के नाम पर जाति के नाम पर क्षेत्र के नाम पर, ऐसे समय में यह हरिद्वार एक तरह से प्रेरणा है पूरे देश के लिए एकता के लिए, वैचारिक अंतर होता है, मतलब एक दूसरे की सोच एक दूसरे काम करने का तरीका अलग होता है, किसी को मीठा बहुत पसंद होता है किसी को खट्टा बहुत पसंद होता है, तो ये सोच है अपना अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी खट्टा खाने वाला भी और मीठे खाने वाला आपस में एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहे परिवार की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो हमको सबको ये करना चाहिए कि हम मीडिया के माध्यम से या के खिलाफ कोई बयान हम सार्वजनिक रूप से न करें, अगर माना किसी को प्रदेश अध्यक्ष से कोई तकलीफ है, किसी को माना परवारी से कोई तकलीफ है, किसी को माना मुझसे तकलीफ है, किसी को माना तकलीफ है, किसी दूसरे से नेता से तकलीफ है, तो जो उस तकलीफ को और ठीक कर सकता है उसके माना कोई अगर ऑर्थो प्रॉब्लम है तो हम ऑर्थो वाले को डॉक्टर दिखाएंगे, अगर किसी को तो हम अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष तो उत्तराखंड को इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, उसके लिए हम पार्टी के राष्ट्रमंडल से बात करेंगे। तो सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करके पार्टी को कमजोर होता है, दूसरा कि माना हम सरकार के रोज संघर्ष कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता रोज हम संघर्ष कर रहे हैं माना रोजगारी के पेपर लीक को लेकर, और तब तक हमारा कोई नेता अगर माना मुख्यमंत्री के दायरे में तो वो सारे जो संघर्ष होता है कार्यकर्ताओं का जो पश्चिम है लाठियां लाई जेल गए वो सब बराबर हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से धामी मेरा छोटा भाई है, धामी ने मेरे साथ बहुत काम किया है, आज जो मुख्यमंत्री है वो बात अलग है, लेकिन हमारी लड़ाई धामी से नहीं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड हमारी लड़ाई
प्रदेश की सरकार से, तो अगर लड़ाई प्रदेश की सरकार से है तो अगर मैं कभी कह दूं तो बहुत अच्छा काम कर रहा, तो मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम कर रहा तो सरकार अच्छा काम कर रही है ना, तो फिर हम ये जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं भाई, तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। ये सबको मेहनत करनी चाहिए। इस बार मैंने पहले भी कहा था आपके बीच में 2014 जैसी दुर्दशा तो नहीं है, 2019 जैसी दुर्दशा भी नहीं है, लेकिन 2009 जैसे बहुत अच्छा माहौल भी है। अभी मैं बहुत कड़ी सच्चाई कह रहा हूँ और हम इस बात को जानते हैं, 2009 में मैं जब इलेक्शन था पाँचों सीटें उत्तराखंड में कांग्रेस पाँचों सीटें लड़ रहे हो, और जिससे 2014-19 में कांग्रेस और 2014 में पौड़ी से पार्लियामेंट चुनाव लड़ा था, सतपाल महाराज जी ने छोड़ दी मैं पार्लियामेंट चुनाव लड़ा था, 2019 में तो और ज़्यादा दुर्दशा थी, हरिद्वार और पूरा सीट भी अपनी 1.5 लाख से आ रहे हैं, बाकी हम हरिद्वार भी 2 लाख से 2 लाख 36 लाख हजार से 2 लाख 36 हजार से आ रहे हैं, और नैनीताल सीट तो हम 3.5 लाख से भी माने हरी साहु जी ने नैनीताल सीट से और 3.5 लाख से आ रहे हैं, हम काफ़ी अंदर से आ रहे हैं, तो बड़े सुनता हूँ कि इस बार डेमोक्रेटिक से आपस में तालमेल करके लड़ा, चाहे राष्ट्रीय स्तर का प्रदेश हो, चाहे प्रदेश स्तर का प्रदेश हो, लोकसभा चुनाव केवल प्रदेश के महीने पर नहीं होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर दोनों स्तर पर इस समय कांग्रेस के पक्ष में नकारात्मक नहीं है, अच्छा वातावरण है। अब हम उसको कितना फायदा उठा सकते हैं ये कांग्रेस पर निर्भर पड़ता है, हमारे कार्यकर्ताओं आपने धनवी जी की बात की है, धनवी बीजेपी के अंदर तीसरे लेयर के नेता हैं, तीसरे जनरेशन के अंदर से नेता हैं, वो इस समय लीड कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी थोड़ी देर नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए? देखिए मैं सिर्फ इस बात पे यकीन नहीं करता, कई बार बहुत युवा भी बहुत सफल हो सकता है और कई बार बहुत बुजुर्ग भी असफल हो सकता है, उम्र कोई मायने नहीं रखती है, ना नौजवान होना कोई भारती है, ना बुजुर्ग होना कोई, आप जो प्रदेश को सही नेतृत्व दे सकता है केवल एज के आधार पर आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, बुजुर्ग बनाएंगे और अयोग्य होकर मेरे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, या मेरा बेटा बहुत नौजवान है उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, उसकी क्षमताएं क्या है, उसका विजन क्या है। देखिए दुर्भाग्य उत्तराखंड का, दुर्भाग्य उत्तराखंड का, मैंने एक नगर निगम से तो भी कहा कि उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, तिवारी जी को उस समय उत्तराखंड के बागों मिले जब वो बहुत उपस्थित था, वो दिल्ली से अटल जी से अपनी दोस्ती के नाम पर पैसे बुलाए, लेकिन वो 5 साल में 13 जिला तिवारी जी से दुनिया में नहीं, हरिद्वार तो घूमा है, उत्तम सिंह नगर घूमा है, क्षेत्र में जंगल भी रहे, लोगों विकास भी हो, लाइन भी ना हो, इसके लिए जो कार्य योजना बनी, मैंने 25 अगस्त 1994 उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषण दिया था, उत्तराखंड राज्य बनेगा, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर उत्तराखंड राज्य को सही नेतृत्व तो मिला, सही नियोजन किया गया, प्राकृतिक संसाधनों का सही विकास किया गया, तो ये राज्य उत्तराखंड बनने के 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे सम्पन्नशाली राज्य होगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है 22-23 साल आज राज्य को बने हुए हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की कच्छ पे जा रहे हैं, आज हम पहले कहते थे उत्तर प्रदेश बिहार की तच पे जा रहे हैं, पर आज हम उत्तराखंड को कह रहे हैं उत्तर किसी गाँव में सड़क चाहिए, हम ये देख ही नहीं रहे कि भाई 4 परिवार रह गए, हम 22 किलोमीटर की सड़क कर दे रहे हैं, 5 करोड़ की पंप योजना बन जा रही है, तो एवरेज अगर 5 परिवारों के लिए हम 50 करोड़ की योजना बनाएंगे तो ये अनियोजित विकास है,
तो एक विजन नहीं है। देखिए मैं आज आपका और मैं आज कह रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं मुस्लिम था, ये नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ कि मैं सबसे कम काम पिछली भाजपा सरकार के मंत्री, मैं मायावती के साथ 97 में मैंने 12 तहसीलें बनाई, जो जिले मैंने बना दिए, उसके बाद कोई जिला नहीं बना, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, ये जो चार जिले हरक सिंह रावत के कलम से बने हैं 97 हिंदुस्तान है, मैं करूँ पाकिस्तान में है या अमेरिका भी है, क्या अमेरिका के लोग, हम अमेरिका में नहीं जाते इलाज करने के लिए, अब सोच है ना ये। और मैंने कहा भाई जो सरकार काम नहीं कर सकती, एक मेडिकल कॉलेज बनाने का मतलब है 10,000 लोगों को रोजगार देना, कोई माली का काम करेगा, कोई वार्ड बॉय का काम करेगा, किसी मेडिकल स्टोर चलेगा, कोई एम्बुलेंस चलाएगा, अब उन एम्बुलेंस में गाड़ियों में चिप्पी आएंगे तो पेट्रोल पंप भी डीजल भी बनेंगे, तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं लेगी, पेट्रोल मालिक को बहुत फायदा होगा, आप सोचो ना। और जो बच्चे जो एमबीबीएस करेंगे उनका फायदा तो होगा ही होगा, उनका परिवार तो ऊंचा जाएगा जाएगा, लोगों का इलाज होगा, तो प्रत्यक्ष रूप से एक मेडिकल कॉलेज से 10,000 लोगों को रोजगार मिला। मैंने लड़ाई लड़ते दोनों में डेकोल लिया, कोई नहीं चाहता, अब सोच नहीं ना, मुर्दार मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए, ऐसे बयान दे रहे हैं कि साहब मुर्दार मेडिकल कॉलेज के लिए जो है, मैंने ऐसे ही भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज अपने समय में जमीन तय कर दी, बॉम्बे करा दी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए, अब जाके अभी नया मेडिकल कॉलेज सेंटर बन रहा है हरिद्वार। अब आप मुझे बता दो, हरिद्वार में बड़ी बड़ी बातें कर रही, मैं किसी में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इस हरिद्वार पार्लियामेंट से प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हरिद्वार पार्लियामेंट से प्रदेश ने, हरिद्वार पार्लियामेंट ने दो दो तीन तीन मुख्यमंत्री दे दी, हरिद्वार पार्लियामेंट ने केंद्र में मंत्री दे दी, क्या मिला हरिद्वार को, क्या मिला आप मुझे बता दो ना, क्या मिला आप मुझे बता दो, हल्की पौड़ी ये जो सब है तो कोई भी करेगा, ये मतलब सड़क में नाली बनाना कोई काम है क्या, वो तो पहले भी होता था, उत्तर प्रदेश में भी होता था, उत्तराखंड में भी होगा, क्या फर्क पड़ता है, विधायक निधि का काम कोई काम है क्या, पंचायत कौन बना दिया, विधायक लोग मंत्री लोग उसके रिबन काटते हैं, उद्घाटन करते हैं, साफ बड़ी उपलब्धि होगी। आप मुझे बता दो, जहाँ उत्तर प्रदेश के हिस्से थे और आज उत्तराखंड बन गया, तिवारी जी ने सुरपुर बनाया, इसके अलावा हरिद्वार में क्या आया, तो ये बिल्डिंग भवन छोड़ दो आप, ये तो नहीं बनाते तो लोग शौचालय खुद बना लेते, वो तो कोई सरकार नहीं बनाएंगे तो लोग तो बना ही देंगे ना, हरियाणा के लोग बना देंगे, पंजाब के लोग बना देंगे, गुजरात के लोग बना देंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ना किसी का, आप नाम ले लो, क्योंकि नाम लेने में तो दुर्भाग्य है, मैं नाम लूंगा तो मैं तो सिर्फ इस समय पूर्ण रूप से हरिद्वार का हिंदी बनकर गंगा के किनारे आया हूँ, आश्रम में आया हूँ, संतों के चरणों में आया हूँ, इसलिए इस बार इस समय शुद्ध रूप से हरिद्वार का हिंदी बनकर, मैंने अभी राम गिलेरी का किस्सा सुना है, गिलेरी की तरह गंगा को देखिये, जिस तरह मोदी जी ने कहा कि मुझे गंगा ने बुलाया, ठीक है, मैंने जब मैं घोड़दार चुनाव लड़ने के लिए गया, मैंने कहा मुझे मैं कौन होता हूँ, मैं तो चाहता भी नहीं था घोड़दार चुनाव, सिद्ध अली बाबा ने बुलाया, अगर देखिए गंगा माँ को अगर सही मायने में जिसको भी अपना भक्त बनाना होगा, अपनी सेवा कराना होगा, तो उसको मौका देंगे, अब मुझे नहीं मालूम कल क्या होगा, ऐसा ना मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लोग कई बार मुझ पर दल बदल पा रोक लगाते हैं, और मैंने दल बदले, जब 97 में मायावती जिले बना रही थी, काम कर रही थी, मुझे लगा हरक सिंह की राजनीति भले ही खत्म हो जाए लेकिन उत्तराखंड को कुछ मिल जाए, और मुझे संतोष है कि मैं मायावती के साथ गया और मैंने उत्तराखंड को वो दिया है जो आज तक कोई दूसरा नहीं दे पा रहा है, यही साल
26 साल हो गए एक जिला नहीं को बना पाया, उसके बाद दो मैंने बना दिया है। तो कई बार क्या होता है कि जब मैं काम करता हूँ, मेरी मैं एक बात कहता हूँ, माँ के पेट से मैं कोई भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में या यूपीडी या कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं माँ के पेट में उत्तराखंडी नागरिक के रूप में देश के नागरिक में पैदा हूँ। पहली जिम्मेदारी मेरी उत्तराखंड के लिए, देश के लिए, तब राजनीतिक दल के। और इससे कई बार मेरे राजनीतिक दलों में भेद हो जाते हैं, वो अपने लिए नहीं होते, विकास को लेकर होते हैं। लोग अगर माना मैंने वायदा किया भी प्रहलाद जोशी ने मुझसे अगरा हो जाए आप क्या गुड़गांव चुनाव नहीं जीतोगे, मैंने पिछली बार 11,000 से जीता था, इस बार 15,000 से ज्यादा, कहे गुड़गांव क्यों नहीं लड़ना चाह रहा। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं लड़ना चाह रहा हूँ कि मैंने 2017 में कहा सुरेंद्र सिंह ने कि 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा और वो मेडिकल कॉलेज केवल 2 करोड़ रुपए ही बाउंड्री बना पाया। मैंने कहा आज मैं क्या जवाब दूंगा मंच पे खड़े होकर। वो ठीक है मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों के काम किए, बहुत लोगों से काम किए हैं, लेकिन मेरी नैतिकता नहीं कहती है कि मैं मंच पे खड़े होने योग्य नहीं हूँ कि मैं मंच पे कहूँगा साहब मैंने 5 साल में मेडिकल कॉलेज बना दिया। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ईश्वर गंगा माँ मुझे कभी अवसर देगी सेवा करने का, तो फिर लोगों को लगेगा ना क्यों जीतता हूँ मैं चुनाव। रुद्रप्रयाग 10 दिन में चुनाव जीत गया, डोहेले में तैयारी कर रहा था मुझे रुद्रप्रयाग दे दिया। कन्हैर जी वहाँ के बड़े नेता, पौड़ी में मैंने पुष्कर सिंह रोथाण जी XMLA थे, आज इस दुनिया में नहीं, नरसिंह भंडारी इस दुनिया में नहीं, दोनों की जमानत में जब्त करा दी पौड़ी में 91 में 93। मैं लेसरोन गया, भारत सिंह रावत जी उनका घर वहाँ, मेरा घर भी नहीं है लेसरोन, उनका घर था, मैंने 2-2 बार भारत से, अब को ये कह कि साहब मैं एक विधानसभा एक ही बार जीता हूँ, मैं लेसरोन से 2 बार विधायक रहा हूँ, मैं पौड़ी से 2 बार विधायक रहा हूँ यूपी के अंदर। तो आखिर लोग क्यों मुझे भरोसा करते हैं, लोगों बताया भाई। और आज मैं कह रहा हूँ मैंने 1 लाख से अधिक लोगों को मेरी कलम से उत्तर प्रदेश पिछले 30 सालों में लोगों को नौकरी मिली। अंशकालिक टीचर्स का मैंने संघर्ष किया, 6 साल मेरे पे मुकदमा चला, जब मैं मंत्री बना तो मैंने अंशकालिक लगभग 15,000 लोगों को नौकरी लगाने का जी हो जाए। सीटी वेतनमान मृत घोषित हो गया था, मुलायम सिंह ने मृत घोषित कर दिया था, मैंने 1 घंटे के लिए जीवित करवाया लगभग 11,000 लोगों को गढ़वार कुमाऊं में सीटी वेतनमान। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये निकालो ना, ये माने तो सब जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम किया। मैं कई बार फेसबुक में देखता हूँ ऐसे लड़के लिख देंगे कि क्या काम किया, अब उनको यही नहीं पता कि अलग से, मतलब कुछ लोग इतने अज्ञानी होते हैं। थोड़ा सा भविष्य का बता दीजिए, हरिद्वार को सच्चाई में ले जाएंगे, ये सच्चाई देखो हरक सिंह नहीं लेगा, उस ऊंचाई पे ले जाऊंगा जिस ऊंचाई का हकदार हरिद्वार है, हरक सिंह नहीं करूंगा हरिद्वार ऊंचाई का, जिस ऊंचाई का हकदार जो हक हरिद्वार को है, जो अब तक राजनीतिक कारणों से या हमारे जनप्रतिनिधियों के नकारापन के कारण हरिद्वार को जो मान सम्मान जो आज देख लो आप किससे और व्यवस्था है, आपको यहाँ आने में भी बड़ा समय लगा, ये ऊंचाई का हकदार है केवल नेशनल लेवल पर नहीं, देखो यात्री तो आए नहीं, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, जो यात्री हरिद्वार में आए वो ऐसी चीज ऐसी याद लेकर जाए, गंगा के अलावा ऐसी याद लेकर जाए कि वास्तव में ये एक ऐसा स्थल है कि धार्मिक दृष्टिकोण से, सुविधाओं के दृष्टिकोण से, व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से दुनिया के अंदर अद्भुत अद्भुत है।